करने वाली हूँ, यू सी इन योर ओके मॉड्यूल. ओके. इन अ पब्लिक लाइब्रेरी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड. ठीक है, रिकॉर्डेड मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने एक डाटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन लिया स्कूल से, और उसको मैंने एक टेबल फॉर्म में लिख दिया. उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि आपके स्कूल में इतने नंबर ऑफ बॉयज है, उसको रिकॉर्ड कर लिया. तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, एक पब्लिक लाइब्रेरी में गए, तो उन्होंने वहां से कुछ इंफॉर्मेशन ली और उसको रिकॉर्ड कर लिया. क्या रिकॉर्ड किया? यूजिंग अ सुटेबल स्केल फॉर द गिवन डाटा, ड्रॉ अ डबल बायोग्राफ टू कंपेयर द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, अभी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं, टेबल दिया हुआ है, डेज, न्यूज़पेपर रीडर और मैगजीन रीडर. ठीक है, टेबल के ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डेज है, उसके बाद न्यूज़पेपर रीडर है. न्यूज़पेपर रीडर मतलब कितने लोग हैं जो कि न्यूज़पेपर रीड करने जाते हैं, और कितने लोग हैं जो मैगजीन रीड करने जाते हैं. ठीक है, मैगजीन रीडर्स, तो उनकी इंफॉर्मेशन उन्होंने ले ली कि कुछ लोग मैगजीन पढ़ने जाते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हैं. बेटा, बोर्ड इज क्लियर टू एवरीवन? यस ओके. तो आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मंडे को 400 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 150 लोग मैगजीन पढ़ते हैं. टेबल में आपके लिखा हुआ है सारा कुछ. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डे द नंबर ऑफ रीडर्स इन द लाइब्रेरी वॉज मैक्सिमम. ऑन विच डे द नंबर ऑफ रीडर्स इन द लाइब्रेरी वॉज मैक्सिमम. नंबर ऑफ रीडर्स बताया हुआ है, नंबर ऑफ रीडर्स का मतलब कि चाहे वो न्यूज़पेपर वाले हो, चाहे वो मैगजीन पढ़ने हो वाले हो, कोई भी हो. ठीक है, टोटल आपके मैक्सिमम आने चाहिए. जैसे आपके पास यहाँ पे है 400 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास 600 लिखा हुआ है, 350 लिखा हुआ है, 550 लिखा हुआ है, यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 350 है. ठीक है, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे और सैटरडे. ठीक है, और मैगजीन रीडर्स आपके पास दिए हुए हैं 150, 100, उनके सामने सामने आपको दिख रहा है टेबल बड़ा अच्छा बना हुआ है, 200, 300, ओके, 250 एंड 200. ओके बेटे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, एवरी डे की, पूरे वीक की मैं इंफॉर्मेशन दी हुई है. दे आर आस्किंग ऑन विच डे नंबर ऑफ रीडर्स वॉज मैक्सिमम. कौन से दिन पे नंबर ऑफ रीडर्स मैक्सिमम आते हैं? नंबर ऑफ रीडर्स का मतलब है कि टोटल, इन दोनों का टोटल. ई ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है कि कौन से दिन सबसे ज्यादा, थर्सडे इसका सबसे मैक्सिमम, इसका सबसे बड़ा और इसका सबसे बड़ा. ठीक है, इसका सबसे बड़ा हो गया 600, इसका हो गया 100. ठीक है, ये बोला, तो आपकी कौन सी ऑप्शन आ रही है? थर्सडे या थर्सडे को अगर मैं देखूं तो यहाँ है 550 और यहाँ है 300. इसकी हमारा टोटल कितना आ रहा है? 850 850, और इसका टोटल हमारे पास आ रहा है सिर्फ 700. ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ा है और ये सबसे बड़ा दिख रहा है क्योंकि बाकी दो नंबर और भी छोटे हैं. ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा डी ऑप्शन, थर्सडे वॉज द मैक्सिमम रीडर्स. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन नंबर ऑफ मैगजीन रीडर्स. मीन, मीन का फॉर्मूला आता है आपको? ओके, लेट मी कॉल द नेम. यस, जशनदीप राणा, 7B. यस, मेरे को मीन बताओगे क्या होता है? ऐसी फॉर्मूला बता दो, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है? यस, थोड़ा लाउडली बोलो. यस, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. 7F में मेरे को हाथ खड़े दिख रहे हैं. यस, बता दो. यस, किस किस को प्लस करोगे इसमें? 7F में जो आगे लड़का बैठा हुआ येलो टी शर्ट, बता दो बेटे. 150, 100, 200, 300, 250, 200. एक्सीलेंट,
मैगजीन रीडर के जितने भी लोग हैं यहाँ पे इनको हमने प्लस कर देना है। इनको प्लस करने के बाद जितने भी नंबर आएंगे, मेरा यहाँ पे टोटल आ रहा है 1200, आप भी करके देख लो। ठीक है, कैन आई आंसर? हमने प्लस करना है तो हमने मीन निकालना है। मीन का मतलब कि सबका सम 1200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। 200 हमारा आंसर आ जाएगा, 200। ठीक है, इसकी ऑप्शन आ रही है ए, 200। टिक मार करो इसको। जिसको मीन समझ नहीं आया, दे कैन आस्क मी नाउ, क्योंकि डाटा हैंडलिंग के चैप्टर में मीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है, इट इज आस्ड, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है मीन के बारे में। आपको पता होना चाहिए जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं सबको प्लस करके उनके जितनी नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पे 7 लोग होते, 7 दिन होते आपके पास, तो 7 को डिवाइड करना था। अगर यहाँ पे 3 डेज होते तो 3 से डिवाइड करना था। ओके, तो डिवाइडेड बाय दिस 1200 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 200, ए ऑप्शन आ रही है। थर्ड क्वेश्चन इज ऑन विच डे द डिफरेंस ऑफ न्यूज़पेपर रीडर एंड मैगजीन रीडर इज मैक्सिमम। कौन से दिन न्यूज़पेपर और मैगजीन रीडर का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम है? डिफरेंस अभी हमने माइनस करके देखना है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो, सबको माइनस करो जरा। इसका आंसर आंसर डिफरेंस वाला यहाँ पे लिखो सेंटर में, आपको पता चलेगा। कैन आई आंसर? यस मैम, ट्यूसडे। ट्यूसडे, ट्यूसडे को आपका आ रहा है 500, यहाँ पे 500 है। यस बाकी भी कर लो, कैलकुलेट करके देखो कि 500 से कोई लेस आ रहा है, सॉरी मोर आ रहा है कोई 500 से। 400 माइनस 150 ये भी नहीं आएगा, 350 माइनस 200 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा ट्यूसडे ऐसा दिन है जब हमारे पास डिफरेंस जो है वो न्यूज़पेपर रीडर और मैगजीन रीडर का सबसे ज्यादा आ रहा है। तो इसकी बी ऑप्शन आएगी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन, ट्यूसडे। ठीक है बेटे, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड लाइब्रेरी इन होल वीक टू रीड न्यूज़पेपर? मैम, कैन आई आंसर? प्लीज वेट, बाकी को भी करते मैम, 2750। ओके, काफी बच्चों के हाथ खड़े हैं। यस यस, ओके, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड लाइब्रेरी इन द होल वीक टू रीड न्यूज़पेपर? क्या करने वाले हो इसको, बस ऐसे ही बता दो मेरे को, क्या करना क्या है आपने इसमें? सबको प्लस करना है, वेरी गुड, सबको पता है प्लस करना है, रेज योर हैंड। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, न्यूज़पेपर में जितने भी लोग हैं न्यूज़पेपर वाले उनको जब प्लस करोगे तो नीचे आपके पास आ रहा है 2750, तो इसका आंसर आएगा सी, सी ऑप्शन, वेरी गुड, आपने कर भी लिया इसका। तो आपको बार ग्राफ तो ड्रॉ करना आता ही होगा बेटा, क्वेश्चन के ऊपर था, यूजिंग अ सूटेबल स्केल ड्रॉ डबल बार ग्राफ ऑल्सो, डबल बार ग्राफ भी आपने ड्रॉ करना है, तो प्लीज इसको करना आप घर पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, स्टडी द डबल बार ग्राफ शोन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टडी, स्टडी मतलब कि आपको इसको रीड करना है, जो कि आपको बार ग्राफ बना हुआ है उसको रीड करोगे। इसकी जो ऊपर बेटा इसको पेपर को आपको टर्न करना है तो टर्न कर लो अच्छे से रीड करने के लिए, और इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है थोड़ी छोटे छोटे वर्ड्स है, मैं आपको लिख के बता रही हूँ कहाँ पे क्या क्या है। आपको पेपर बेटा इसको इस डायरेक्शन में होल्ड कर सकते हो, ऐसे पकड़ सकते हो ताकि वो बार ग्राफ आपको सीधा दिखे, टर्न कर लो इसको। ठीक है, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। आपका ऐसे डायग्राम है, आपको अगर अगर पेपर को आप ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़ोगे ना बेटा ऐसे करके, ऐसे तो आपकी लाइन कैसे आएगी, ऐसे आ रही है लाइन, ऐसे और ऐसे आ रही है ना। तो आपके यहाँ पे ये जून मंथ है, पहले जून है, जून के ऊपर लिख लो 57 एंड 54, 57 एंड 54, जो लंबे वाला है वाइट वाला है उसके ऊपर 57, छोटे वाले के ऊपर 54। उसके बाद मई मंथ है, मई मंथ में व्हाइट वाले के ऊपर है 42,
ठीक है, और जो दूसरा ब्लैक वाला है उसके ऊपर लिखा हुआ है 45, 45, ठीक है। मेरा बिना स्केल की है तो थोड़ा सा अप डाउन आएगा, इसको ठीक कर लो। और अप्रैल के ऊपर है 40 एंड 35, 40 एंड 35, मैं यहीं पे लिख देती हूँ 40 एंड 35, ये अप्रैल मंथ का है आपका, ठीक है। और ये अंडरस्टूड है कि जो लंबाई वाला है वो 40 है और जो छोटे वाला है वो 35 है। और मार्च में है, छोटे वाला 30 है और बड़े वाला 43, बड़े वाला 43, पेंसिल लिख लो उसको। ये आपका मई मंथ का आ गया, सॉरी मार्च का आ गया 30 एंड 43। उसके बाद है फेब्रवरी का 34 एंड 38, फेब्रवरी मंथ का 34 छोटे वाला, 38 बड़े वाला, क्लियरली लिख लो उसको। जनवरी में 31 एंड 36, जनवरी मंथ 31 एंड 36, ठीक है बेटे। अब आपको पढ़ना इजी हो जाएगा। बायोग्राफ में लिखा हुआ है जो ब्लैंक वाला है जिसके ऊपर शेड नहीं है वो आपका ए है, ब्रांड ए है, और जो डार्क वाला है वो है ब्रांड बी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव डबल बार ग्राफ। हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है इसको देख के वो बताना है हमने। देखो बेटे, आपके टेबल के जो नीचे है वो तो सारे मंथ्स लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नीचे सारे मंथ्स हैं, ठीक है। और ऊपर जो है आपके लिखा हुआ है सेल्स, ऑप्शन या सेल, यहाँ पे कितनी सेल होती है इन लैक्स, ठीक है, लैक्स में आपकी सेल हो रही है। ब्रांड ए और ब्रांड बी के दो तरह के ब्रांड हैं वहां पे, ठीक है। मार्केट में ब्रांड ए इज व्हाइट कलर एंड ब्रांड बी इज डार्क कलर, ठीक है बेटे। तो दोनों की सेल बतानी है, तो व्हाट इंफॉर्मेशन इट इज रिटर्न कंपैरेटिव सेल्स ऑफ ब्रांड ए एंड ब्रांड बी ड्यूरिंग जनवरी टू जून। ऑप्शन इज द करेक्ट। यस, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको दिख रहा है बड़े अच्छे से कि जनवरी से लेके जून तक की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है इसमें, और दो ब्रांड्स को हमने कंपेयर किया हुआ है, ए ब्रांड और दो ब्रांड बी ब्रांड को। जब आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो शॉपकीपर आपको बताता है कि हाँ इस कंपनी का भी है मेरे पास और दूसरी कंपनी का भी है, नाइकी का भी है, एडिडास का भी है, ठीक है। तो अभी दो कंपनीज जो है उनका कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, दो ब्रांड्स का। ओके, तो ए ऑप्शन इज देयर। सेकेंड इज, इन विच मंथ सेल ऑफ ब्रांड ए डिक्रीज एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। सी ऑप्शन सिर्फ हम ए और ए वाले ब्रांड को देख रहे हैं कि जहां पे उसकी सेल जो है वो डिक्रीज हुई है प्रीवियस मंथ से। ध्यान से देखो इसको, सी ऑप्शन सी ऑप्शन। सबको पता चल रहा है सी ऑप्शन, रेज योर हैंड जिसको पता चल रहा है। यस गुड, आपको दिख रहा है कि सी ऑप्शन मार्च का जो महीना है उसमें ए वाला जो है वो छोटा है, ठीक है। 30 आ गया, जबकि उससे पहले वाले फरवरी मंथ में क्या था, 34 था, ठीक है। तो इसमें मार्च ऑप्शन आएगी, सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन सेल्स ऑफ बोथ द ब्रांड ऑप्शन मैं बी ऑप्शन जून। ओके, जून के महीने में आपने बतानी है कितना डिफरेंस है दोनों का। जून के महीने में वो था 57 लाख और ये है 54 लाख, बी वाला। दोनों का डिफरेंस बताना है, तो आपका आंसर बहुत क्लियरली आ रहा है, 3 लाख। तो 3 लाख, आंसर इज 3 लाख, वेरी गुड। ये चैप्टर इजी लग रहा है आपको, यस यस गुड, 3 लाख बी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ब्रांड बी फॉर 6 मंथ्स, एवरेज फ्रेज डी एवरेज। ऑप्शन No. कि एवरेज और मीन एक ही बात होती है। अब मीन का आपने मेरे को आंसर बताया था कि सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी डी ऑप्शन
वेट, मेरे को नाम बताने दो, इनको ये देखना है कि सबको समझ। 41.83 लाख। ओके चलो ठीक है, मैं जरा बुला के एक बार पूछती हूँ। सुखमन 7C, सुखमन वेर आर यू? आंसर तो आपने सुन ही लिया होगा, काफी बच्चों ने बता दिया है। वॉट इज द एवरेज सेल ऑफ ब्रांड बी? एवरेज सेल ऑफ ब्रांड बी बतानी है। एवरेज और मीन एक ही बात होती है बेटा, यू शुड नो एवरेज या मीन। अगर आपको क्वेश्चन में मीन पूछना आ जाए तो भी आपने सेम वे से ही करना है, मेथड बिल्कुल सेम है इसका, इसलिए मैं एवरेज ऑब्लिक मीन लिख रही हूँ, आप भी लिख सकते हो। वहां पे ब्रांड बी का एवरेज बताना है। सुखमन हैव यू काम? बी यस, ऑप्शन। मेरे को बस मेथड बता दो, आंसर तो चलो कोई बात नहीं निकल ही जाएगा। करना क्या है इसमें, मेथड क्या करना है इसमें? सबको प्लस करके, जितने भी बी वाले ऑप्शंस हैं सबको प्लस करके हमने उनको डिवाइड कर देना है। अभी बी ऑप्शन में हमारे पास कौन कौन से हैं प्लस करने वाले हैं? 54 है, प्लस 45 है, प्लस 35, प्लस 43, प्लस 38, प्लस 36, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सबको प्लस करना है। ये थोड़े से बड़े नंबर है, बड़े इन द सेंस कि है तो 2 डिजिट ही, आपके लिए तो इसको मिस्टेक हो सकती है क्योंकि थोड़े से ज्यादा है नंबर, आई मीन टू से है तो 2 2 डिजिट ही, थोड़ा ध्यान से करने वाले हैं। अब आपने ये देखना है कि डिवाइड कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करना है, ठीक है? तो जो भी हम आंसर हमारे पास आएगा उसके साथ हम लैक्स लिख देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास लैक्स की बात हो रही है। 54 लाख, 45 लाख, 35 लाख, ऐसे, ठीक है बेटे? जो भी इसका आंसर आएगा प्लस करके डिवाइड करके उसके साथ हमने लैक्स लिख देना, जो कि आपकी ऑप्शंस में भी लिखा हुआ है, आप देख ही रहे हो, ठीक है? तो किस किस ने कर लिया, ये प्लस किस किस ने कर लिया, रेज योर हैंड, किसने प्लस कर चुके हैं जो बच्चे? ओके, 7A से द फन आंसर इज 41.83 लाख। 41.83 सबका आ गया, जिस इसका आ गया रेज योर हैंड, जिसने कर लिया है। चलो ठीक है, अब मुझे कौन बताने वाला है 7A में, जो आगे गर्ल्स बैठी हैं, किनका प्लस करके आंसर क्या आ रहा है? 7A, वेरी गुड। सिर्फ मेरे को ऊपर वाला बताना है प्लस करने के बाद क्या आ रहा है। देखनी यस, थोड़ा लाउडली बोलो। मैम, जो डीएस का हाँ, ऊपर वाले मेरे को प्लस करके बताओ, सिर्फ 7B में। आपके साथ माइक साथ ही पड़ा हुआ है, आप बता दो। यस, ऊपर ऊपर टॉप पे क्या आ रहा है बेटा? 251, सबका यही आ रहा है, रेज़ योर हैंड जिस इसका 251 आ रहा है, वेरी गुड। इसको हमने 6 से डिवाइड कर रहे हैं, और आपको पता है नीचे वाला इवन नंबर है, ऊपर वाला ऑड नंबर है, तो वो कटेगा तो नहीं, हमें इसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। 251 को हम 6 से डिवाइड करेंगे और डेसिमल में हमारे पास आंसर आ रहा है 41.83। 41.83 डेसिमल का सबको करना आता है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल आपने चैप्टर किया हुआ है, आपको पता है डेसिमल में कैसे डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 41.83 लैक्स, डी ऑप्शन। इसको टिक मार्क कर लो। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? और क्वेश्चन में ही अगर आपने लिखना है एवरेज के साथ मीन भी लिख लो, एवरेज और मीन एक ही बात होती है, मैंने बताया था आपको, ठीक है बेटे? लास्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ्स पूछ रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन विच मंथ्स द सेल्स ऑफ ब्रांड बी वॉज लेस देन दैट ऑफ ब्रांड ए? कैनेडा बी की सेल कम हो रही थी, कैनेडा कौन कौन से मंथ्स हैं? बी ऑप्शन। 7D, डी सेक्शन, जो आगे गर्ल्स बैठी हैं ग्रीन टी शर्ट, यस बता दो। बी ऑप्शन अप्रैल एंड जून। अप्रैल एंड जून, अप्रैल एंड जून में आपको दिख रहा है कि अप्रैल में और जून में दोनों में, यस।
ये आएगा आपका बी की जो ऑप्शन है वो ए से कम हो रही है। ठीक है फाइन, अप्रैल एंड जून, तो बी फिफ्थ का आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 इसकी आएगी बी ऑप्शन, अप्रैल एंड जून। बेटा अगर आपको बार ग्राफ दिया हो तो आपको रीड करना इजी लगता है, इज इट? आप पढ़ यस सकते हो ना कि क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसका हॉरिजॉन्टल वाला पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल वाला पढ़ लो कि क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप बता सकते हो कि बार ग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बार ग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। हो सकता है वो अलग अलग मंथ्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो अलग अलग सेक्शन की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो अलग अलग सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है आपका, तो वो तो इजी करना आपको रीड करना आ गया इजीली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फिर मैम यस से एक बार ग्राफ दिया हुआ है आपको, इसको भी रीड करना है आपको। पहले तो उसके बारे में पढ़ो कि बार ग्राफ किन दो चीजों के बीच में ड्रॉ किया गया है, क्या इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है। ठीक है, और अब आपने बैठ के जवाब नहीं देना, अब मैं नेम से बुलाऊंगी क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि बाकी बच्चों को भी समझ आ रहा है कि नहीं। स्टडी द डबल बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बार ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन ऑफ क्लास 7th है, ए बी सी डी ई। ठीक है, हो सकता है ये आपके स्कूल की इंफॉर्मेशन ही हो इस क्वेश्चन में, हो सकता है ना। डबल बार ग्राफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7A में है, 7B में है, C में, D में और E में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल सेक्शंस ऑफ क्लास 7। बी आपको पहले ऑप्शन तो बेटा वेट, बैठे बैठे ऐसे रिप्लाई नहीं करना, सबको पढ़ने दो क्वेश्चन। कई बच्चे मेरे साथ साथ मेरे ही थोड़ा साथ साथ ही मैम एडवांस में पढ़ रहे हैं, कई बच्चे तो मेरे साथ साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बार ग्राफ में क्या क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि अगर वो डार्क किया कोई खाली वाला बॉक्स है तो उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और जो शेडेड वाला पोर्शन है ऐसे डार्क वाला उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे गर्ल्स बताई गई है, ये गर्ल्स वाला कॉलम है और ये आपका बॉयज वाला कॉलम है। जितने भी डार्क कलर के बॉक्सेस हैं आपको बॉयज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फाइन, और सेक्शन ए बी सी एंड डी वो ऑर्डर में है सारा। ठीक है बेटे, फर्स्ट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन बॉयज क्लास 7। क्लास 7 था भी, क्लास पूरे के पूरे सेक्शंस के बारे में, सिर्फ ए के बारे में नहीं, फिर सिर्फ बी के बारे में भी नहीं, पूरे के पूरे बॉयज सेक्शन पूरे 7th में कितने हैं। 7D जो आगे रेड टी शर्ट पहनी है गर्ल ने, यस बता दो, उठ के बता दो। या वेरी गुड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ऑफ क्लास 7। 110 110, जितने भी बॉयज हैं हमारे पास बॉयज कितने हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 25, इनको सबको जो बॉयज को हमने प्लस किया। बेटे आपके बायोग्राफ को ना, वेरी गुड बेटा बैठ जाओ, 110 इज राइट आंसर, इनको जब प्लस करोगे तो आंसर आएगा 110। अब आपने कैसे देखा ये इंफॉर्मेशन, आपके वो जो ब्लॉक्स बने हुए उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपने यहाँ से मेजर कर, यहाँ से मेजर करके बोला कि हाँ वो 15 के सामने है, वो 30 के सामने है, वो 35 के सामने है, उन सबको आपने मैच करके बताया। पिछले क्वेश्चन में तो आपकी बार ग्राफ के ऊपर ही इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, 45, 30, 38 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको स्केल को देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉक्स कौन से नंबर से मैच कर रहा है, तो उसके नंबर वो आएगा। ठीक है बेटे, तो टोटल आ रहा है 110, आपकी आ रही है बी ऑप्शन, टिक मार्क कर लो इसको। सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच सेक्शंस, इन विच सेक्शंस, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि एक से ज्यादा सेक्शन भी हो सकते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ बॉयज, काफी कहना है मैम सारे बी बच्चे, ऑप्शन बी वेरी गुड, ये तो काफी ऑप्शन बच्चों को पता है। यस यस, ए एंड डी सेक्शन, ए में भी नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है और डी में भी नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है, आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है, बाकी सब में छोटे छोटे ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, डी ऑप्शन।
थर्ड क्वेश्चन, इन विच सेक्शन द नंबर ऑफ बॉयज इज मैक्सिमम? बी ऑप्शन बी ऑप्शन, वेरी गुड। ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। आपको दिख रहा है बी वाले में सबसे टॉल है बॉयज वाले का जो बार ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बी ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन, इन विच सेक्शन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज लीस्ट? मैम लीस्ट मीन्स मिनिमम, या कम मिनिमम, सबसे कम। ओके, सो सी ऑप्शन। ये भी आपको क्लियरली दिख रहा है बार ग्राफ से। अगर सारी ऐसे क्वेश्चन होते तो कितना मजा आता है ना बार ग्राफ के। बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन दी हुई है। और आपके मतलब क्या, सेवंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सेवंथ क्लास का ही क्वेश्चन होना चाहिए, है ना? सबने अच्छे से रिप्लाई किया, सबको अच्छे से समझ आ गया। वेरी गुड। एसर्शन रीजन, अब आपकी थोड़ी और क्लैरिटी होगी इसमें कंसेप्ट की, जो जो बार ग्राफ के बारे में पढ़ते हो आप। एक आप बेटा, आपने वी भी पढ़ा होगा, मॉड मीडियन भी पढ़ा होगा। मीन तो हमने यूज किया, हमने यूज दो क्वेश्चंस में हमने मीन यूज कर लिया। ठीक है, और मैंने ये भी बताया आपको कि मीन और एवरेज एक ही बात होता है। ओके, अब आपको और भी आपने वर्ड पढ़े होंगे, मीडियन पढ़ा होगा और एक वर्ड पढ़ा होगा मॉड। ओके, लेट मी आस्क, अगर आपने किया हुआ है तो 7D सेक्शन, डी सेक्शन, प्रीतिका 7D, आर यू प्रेजेंट? आगे आ जाओ, वेरी गुड। कैन यू टेल मी मीडियन क्या होता है बेटा, कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन असेंडिंग ऑर्डर थोड़ा इसको मुंह के पास लो, उठा के क्लोज करो थोड़ा, फिर लाउडली बोलो। यस, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर वेरी गुड। पहले, सबसे पहला हमारा काम होता है मीडियन निकालने से पहले कि सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, किसी में भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा होता है मीडियन के लिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर, कहीं भी कर लो। उसके बाद क्या करना होता है बेटा, उसके बाद क्या करते हैं लिखने के बाद? मीडियन कैसे निकालेंगे? चलो मैं बताती हूँ आपको, गो बैक। किसी और को पता है? यहाँ पे सेवेंथ एफ में आई कैन सी वन बॉय जो वॉल के साथ बैठा हुआ, ब्लू टी शर्ट, यस। ठीक है आगे भैया आ जाओ, वेरी साहब, गुड। ठीक है डिसेंडिंग भैया, ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक द नंबर ऑफ टर्म। चेक द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब चेक करो कि वो कितनी है, ऑड है या इवन है। ठीक है, ऑड है या फिर इवन है, ये हमने चेक करना होता है। यस, ओके, गो बैक। यस, गुड बेटा। देखो, अगर तो आपके पास ऑड है फिर क्या होगा? अगर ऑड आपके पास ऑब्जर्वेशन है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 4 5, 1 2, 1 2 3 4 5, ये ऑड है ना। अगर मेरे पास ऑड ऑब्जर्वेशन है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो मैं क्या करूंगी, बराबर के नंबर्स हम बोथ साइड्स पे छोड़ देंगे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। जो मिडिल नंबर होगा इसको मैं बोलूंगी कि 5 इज द मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू 5। नंबर इटसेल्फ जो होगा 5, वही मीडियन आ जाएगा अगर ऑब्जर्वेशंस हमारे पास ऑड है। ये चीज आपको पता है, रेशो हैंड? यस, यू नो इट, कि जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है तो हम ऐसे निकालते हैं। ए सेक्शन, किसी का हाथ खड़ा नहीं है ए में, आपने नहीं अब पढ़ा? नहीं पढ़ाऊं अगर आपको समझ आ गया तो रेज योर हैंड। सेवन थे कि अगर हमारे पास ऑड ऑब्जर्वेशन है तो बराबर की हम ऑब्जर्वेशन साइड पे छोड़ देते हैं, सेंटर वाला जो नंबर बचता है वो हमारे पास मीडियन होता है, नंबर इटसेल्फ जो भी हो। अगर हमारे पास इवन हो, सपोज मेरे पास इवन है, इवन का मतलब 3 4 5 1 2, एक और नंबर, नंबर सपोज यहाँ पे 7 है मेरे पास। डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब मेरे पास इक्वल नंबर तो मैं छोड़ नहीं पाऊंगी, ठीक है, तो मैंने 2 इस साइड पे छोड़ दिया, 2 इस साइड पे छोड़ दिया, तो मिडिल में मेरे पास 2 नंबर बच गए।
तो उनका मेरे को मीन निकालना पड़ेगा, दो नंबर्स का मीन निकालना पड़ेगा या फिर एवरेज निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? मैम इन दोनों को प्लस ऐड करके करके टू डिवाइडेड से बाय टू, डिवाइड करते उसे हैं। डिवाइड कर दो। यस, वो जो आंसर आएगा। यस, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। उसने आगे आके बताया 6/2, तो 6/2 इज इक्वल टू 3 मेरे पास मीडियन आएगा कैलकुलेट करने के बाद। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया आपको बताने के लिए, अगर यहां से आपको समझ आ गया तो आप वो लंबे वाले क्वेश्चंस भी कर पाओगे। किसी को कोई डाउट है तो खड़े होकर पूछ लो कि मीडियन कैसे निकालते हैं। सबको क्लियर है? चेक करना होता है, सबसे पहला काम है। अगर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आपका आंसर नहीं मैच करेगा। प्लीज रिमेम्बर, मीडियन में और मॉड में, दोनों में हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है राइट आंसर करने के लिए। ऑड है तो बराबर के छोड़ दो, इवन है तो बराबर के छोड़ने के बाद सेंटर वाले दो नंबर्स का, हमेशा दो नंबर ही बचेंगे आपके पास, तो दो नंबर जो भी है उनका मीन निकाल लो। ठीक है बेटे, चलो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। असर्शन रीजन में थोड़ी थोड़ी आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है? अपना पेन तैयार रखो लिखने के लिए। एक्सक्यूज मी मैम, मीडियन मीडियन में भी सेंडिंग ऑर्डर करना है। मीडियन में ही करना है बेटा, और मॉड में क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मॉड वाला क्वेश्चन आएगा ना, फिर बताऊंगी कि मॉड में भी क्यों करना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है, इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो हमने नहीं करनी। इसमें चैप्टर में मार्क्स कटने वाली कोई बात ही नहीं है, ओके और ऐसा ही डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर आपको हर एक क्लास में आएगा। फाइन, फर्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन फॉर द डाटा, द वैल्यूज ऑफ मीन मीडियन एंड मॉड निकालनी है हमने। दे आर आस्किंग, डाटा दिया हुआ है आपको। जो अब जो डाटा दिया हुआ है ना बेटा, उसको हमने पहले तो क्लियरली अपनी नोटबुक में लिख लेना है दूर दूर, ताकि ये जो इतनी पास पास नंबर लिखे होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं हमें। 4, 6, 4, ठीक है? काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सारे के सारे नंबर हमने नोट कर लिए। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सिंस इस क्वेश्चन में आपको मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मॉड भी निकालना है, तीनों चीजें निकालनी है, तो शुरू करने से पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेती हूँ। पहले ही लिख लो ताकि हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे 3, 3, 4, 4, 4, कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद आ रहा है आपका 6। लेट मी काउंट, मैंने सारे लिख लिए हैं कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। काउंट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर कोई मिस हो सकता है। काउंट करके फटाफट चेक कर लो कि आपने 7 के 7 नंबर नीचे उतार लिए हैं कि नहीं। चाहे आप असेंडिंग में करो, चाहे आप डिसेंडिंग में करो, आंसर सेम ही आएगा, डोंट वरी। ओके, तो अभी हमने सबसे पहले निकालना है मीन। फर्स्ट है मीन, मीन सबको पता है, सबको प्लस करके डिवाइड सबको करना प्लस करके है 7। डिवाइड ओके, कौन बता? ओके कौन बता तो सेवन थी अर्शिया, आर यू देयर? मैम अर्शिया आई हुई है, इसको आगे ले आओ। हाँ इट्स ओके। कौन बताने वाला है अभी? जान एंड शी बताओ, इज हियर। शी इज हियर। ओके ओके फाइन, ओके गुड बेटा। व्हाट इज हेयर एडिशन? सबको प्लस करके क्या आ रहा है? ऐड कर लो सबको, डिवाइडेड बाय 7 तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मीन निकालना है। काफी बच्चों के हाथ खड़े हैं, कोई बात नहीं, उसको करने दो, छोटे से नंबर्स हैं। 28 एक्सीलेंट, 28, 28/7। यस, यस इसका आंसर इसका बता दो। आंसर बता दो। सेवन सेवन फोर जा फोर 4, मीन इज 4, ठीक है? जब तक आप इसको रफ में करोगे नहीं, तब तक आप इसका आंसर नहीं बता पाओगे, तो लिखना पड़ेगा आपको साथ साथ में। फिर हम कर रहे हैं इसका मीडियन, ठीक है? मीडियन का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने,
ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ थ्री इस साइड पे छोड़ दो, थ्री इस साइड पे छोड़ दो, तो मिडल वाला नंबर जो आएगा हमारा मीडियन हो जाएगा, फोर। ये भी बहुत इजी था, ठीक है। अभी हमारा है मॉड, कौन बताने वाला है व्हाट इज मॉड? मैं फोर इज मॉड, कैन यू रिपीट? फोर इज मॉड, यस, फोर इज मॉड, बिकॉज जो नंबर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, जो बार 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 रिपीट हो रहा है और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, वो नंबर खुद ही जो होता है वो मॉड होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली थी कि हम मॉड के लिए असेंडिंग में क्यों लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं कि ताकि हमारी गलती ना हो। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हो ना नंबर्स को, बहुत इजीली देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और आपकी मिस्टेक के बिल्कुल भी चांस नहीं होता, ठीक है। जब आप फोर को यहां से ढूंढोगे, वहां से ढूंढोगे, फिर इधर से ढूंढोगे क्वेश्चन में, थोड़ी सी गलती होने के चांस हो सकते हैं। लेकिन जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है, फिर आपको काउंटिंग करनी बहुत ईजी हो जाती है, 1 2 3 4, और आपके मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होती है इसमें। प्लीज रिमेम्बर, मीडियन और मॉड के केस में उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर दो और फिर उसका आंसर बताओ, ठीक है बेटे। सो फर्स्ट आंसर इज ट्रू, असर्शन हमारा ट्रू है। रीजन, मॉड ऑफ अ रीजन डाटा इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। इज ट्रू, रीजन ट्रू इज ट्रू, यस, ए बताया ऑप्शन, था, यस, ए ऑप्शन, यस, वेरी गुड। बट बेटा इसमें बी आएगी क्योंकि रीजन में सिर्फ हमारी मॉड की बात हो रही है, जबकि असर्शन में मीन और मीडियन की भी बात हो रही है ना बेटा। बी ऑप्शन, यस, बी ऑप्शन आएगी, दोनों ट्रू हैं लेकिन बी ऑप्शन आएगी क्योंकि वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रीजन में नहीं बताई हुई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ डेटा डेटा आ गया, फिर से मीडियन आया, प्लीज इसको असेंडिंग में लिखो पहले। सेकेंड क्वेश्चन, असेशन वाला मीडियन निकालना है हमने इनका, और थोड़े से बड़े नंबर्स हैं, इनको प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सेकेंड क्वेश्चन, असेशन ये है आपका, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इनको, 3 5 6 9 10 11 14 15, ठीक है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, वी हैव रिटन ऑल। आपकी भी काउंटिंग होनी चाहिए कि आपने पेपर से ये सारे के सारे नंबर्स उतार लिए हैं या नहीं, ठीक है बेटे। ये 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, अभी ये कितनी आ गई है, इवन आ गई है आपके पास, तो तैयार रहो। इवन नंबर में हम क्या करते हैं, मीन निकालने की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। इक्वल नंबर पहले छोड़ दो, थ्री नंबर मैंने इस साइड पे छोड़ दिए, थ्री इस साइड पे छोड़ दिए, मिडल में मेरे पास बच गया 9 एंड 10, तो वी विल फाइंड 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, कौन बताएगा? 4 क्यों नहीं किया मैंने डिवाइडेड बाय, 8 क्यों नहीं किया? दुशांत, 7D, यस, वेरी गुड, आगे आ जाओ, मेरे को बताओ कि हम 2 से क्यों कर रहे हैं। यस, माइक के पास आओ बेटा, हाथ पे पकड़ लो, थोड़ा लाउडली बोलो। आई कांट हियर यू, थोड़ा झुक के बोलो माइक के पास आके बेटे। मैनू मैं पूछ रहा हूँ कि 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, कहना कोई और कोई नंबर और, क्यों? बिकॉज इट इज बिकॉज इवन, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मीन। यस, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये हमारे पास 2 है, जब 2 ऑब्जर्वेशन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन होते तो 3 से डिवाइड करते, 5 होती तो 5 से डिवाइड करते, यही तो मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी हम मीन निकाल रहे हैं दो नंबर्स का, दो नंबर्स का मीन निकाल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स 2 से ही डिवाइड करेंगे। हैव
यू अंडरस्टूड? दुशांत समझ आ गया आपको? यस ओके गुड, वेरी गुड। तो फाइंड आउट, इसको कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है। आंसर इज 9.5। 19/2 इज इक्वल टू 9.5। माय असर्शन इज ट्रू। यस, असर्शन इज ट्रू। रीजन, द मीडियन ऑफ डेटा इज ऑलवेज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डेटा। ऑलवेज के बाद लिख लो ऑल। रीजन फॉर ऑलवेज वन सी ऑप्शन, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसको ऐड कर लो प्लीज, ये थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी आपकी। वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डेटा, ठीक है? अभी तो मैं समझा दूंगी, लेकिन बाद में जब अकेले में करोगे आपको पता चलेगा। ऑलवेज के बाद लिख लो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डेटा। तो मीडियन ट्रू है या फॉल्स है बेटे? द मीडियन ऑफ डेटा इज ऑलवेज फ्रॉम द डेटा, हमेशा तो नहीं होती डेटा में से। नो नो, हमेशा नहीं होती है। जब ऑड नंबर तो हम बोल देते हैं कि ये सेंटर वाला नंबर जो है वो हमारी मीडियन है, लेकिन जब इवन होते हैं तो मीन निकालना पड़ता है हमें। इट इज नॉट ऑलवेज, है ना? तो ये फॉल्स आएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, यस। रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। ठीक है बेटे, थर्ड वन। असर्शन, द मीन ऑफ थ्री नंबर्स इज 10। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टिपिकल क्वेश्चन है, ये मैं करवाऊंगी आपको। थर्ड क्वेश्चन, जो जो ऑब्जर्वेशन इसमें दी हुई है वो हमने लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा एक क्वेश्चन बन रहा है आपका जो मैं आपको करवाने वाली हूँ। थर्ड क्वेश्चन, असर्शन, इसमें क्या दिया हुआ आपको? मीन ऑफ थ्री नंबर्स इज 10। मीन ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू 10, ओके? एंड द मीन ऑफ अदर फोर नंबर्स इज 12। द मीन ऑफ अदर फोर नंबर्स, ठीक है? मीन ऑफ अदर फोर नंबर्स, और वो नंबर्स कौन से हैं वो हमें पता नहीं है अभी, ठीक है बेटा? कोई और दो फोर नंबर्स हैं, उनका मीन है 12, ठीक है? देन द मीन ऑफ ऑल द नंबर्स बताना है हमने, मीन ऑफ ऑल द नंबर्स बताना है, ठीक है बेटे? तो हमारे पास आ गया बेटा मीन का जो फॉर्मूला होता है, आपको पता है मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ थ्री नंबर्स डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है? तो ये आपको दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू सम ऑफ थ्री नंबर्स डिवाइडेड बाय थ्री। इसका मतलब है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स हमारे पास कितना आया? 30। ये चीज समझ आई आपको? पहले हमने मीन मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ थ्री नंबर्स डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है? सम को मैंने शॉर्टकट में S3 लिख लिया ताकि आपको याद रहे कि ये ऊपर है, और मीन की वैल्यू हमें 10 दी हुई है। 10 इज इक्वल टू S3/3, और S3 हमने निकाल लिया 10 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसको जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया S3 मेरे पास आ गया 30। इसी तरह हम फोर नंबर्स का भी निकाल लेंगे, ठीक है? यहां पे मैं निकाल रही हूं मीन इज इक्वल टू सम ऑफ फोर नंबर्स डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है? इसका मीन हमें क्या दिया हुआ है? 12 S4/4। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास S4 = आ जाएगा 12 × 4 = 48। सम ऑफ थ्री नंबर्स 30 आया और सम ऑफ फोर नंबर्स आपके पास 48 आया। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से, क्योंकि इनको अभी हम आगे यूज करने वाले हैं। किसी को कुछ पूछना बेटे? सम ऑफ थ्री नंबर्स आ गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, इसलिए टोटल पूरा क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगी आपको, ठीक है? तो अब हमारे पास हमने क्या निकालना है?
मीन ऑफ ऑल द फोर ना ऑल द नंबर्स, ऑल द नंबर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल कितने हैं, सेवन। तो सम ऑफ सेवन नंबर्स हमने निकालना है। क्वेश्चन है हमारा मीन ऑफ ऑल द नंबर्स। सम ऑफ सेवन नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ थ्री नंबर्स प्लस सम ऑफ फोर नंबर्स। दोनों को जब प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये 30 प्लस 48 इज इक्वल टू 78। यहाँ पे मेरे पास थ्री नंबर्स थे, यहाँ पे फोर नंबर्स थे, दोनों को जब मैंने प्लस कर लिया तो मेरे पास सेवन नंबर बन गए। तो सेवन नंबर्स का प्लस करके मेरे पास आ गया 78। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेवन थ्री नंबर्स का प्लस था और यहाँ पे फोर नंबर्स का प्लस था। एनी डाउट टिल हियर, यहां तक? ये क्वेश्चन हमने धीरे धीरे करना है, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। एस सेवन आपके पास आ गया 78। हमने निकालना है मीन ऑफ सेवन नंबर्स, मीन ऑफ सेवन नंबर्स, मीन ऑफ सेवन नंबर्स, मीन ऑफ सेवन नंबर्स क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ सेवन नंबर्स डिवाइडेड बाय सेवन। इसकी वैल्यू लगा दो 78/7। सम ऑफ सेवन नंबर्स हमें पता था ना, 78। 78/7 निकालो बेटा, डिवाइड करके। लेट अस डिवाइड इट, 78/7। 7 1 7 8, अगेन 7 1 7 1.0, ठीक है। फिर से 7 2 14 आ रहे, 7 7 1 जा, फिर से 7 करोगे, ठीक है। तो आपके पास आएगा ये 11.14 बता रहे हैं, तो दिस इज 30 जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है। 7 4 जा 28। मैं थोड़ा सा और आगे, वो ऑप्शन ही हमें 11.14 दी हुई है, तो मेरे को करना पड़ेगा वहां तक चेक करने के लिए कि ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं आगे डिवाइड नहीं करूंगी क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं आगे। तो इसका आंसर आ रहा है 11.14। इसको रिवाइज करना घर जाके, अगर नहीं समझ आएगा मैं कल दोबारा करवा दूंगी आपको, ठीक है बेटे। प्लीज कॉपी डाउन, लिख लो इसको और घर जाके एक बार दोबारा रिवाइज करना। तो ये ऑप्शन हमारी ट्रू आ रही है बेटा, उन्होंने पूछा था कि इसका आपका 11.14 आ रहा है कि नहीं, तो दिस ऑप्शन इज ट्रू, असर्शन ट्रू आ रहा है। और रीजन हमारे पास दिया हुआ है, इन बार ग्राफ वन यूनिट लेंथ कैनॉट बी इक्वल टू 10 ऑब्जर्वेशंस। What do you mean by that? One unit का मतलब क्या है? Suppose आप एक, जब आप bar graph draw करते हो, अच्छा पहले ये note कर लो बेटा आपको कुछ, क्योंकि इसको मेरे को clean करना पड़ेगा अगला question बताने के लिए, इसको note down कर लो। I'm giving you 2 minutes. किसी को कुछ पूछना है? You can ask me. किसी को पूछते कुछ बेटा, क्लीन कर दो इसको। कौन से बच्चे नोट कर रहे हैं, रेज योर हैंड, जो जो अभी लिख रहे हैं इसको। चलो ठीक है, मैं अभी फिर इसको क्लीन करती हूँ। इसको क्लीन कर दो बेटा, लिख लिया सबने? यस, रेज योर हैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। इसका क्या बता रहे हैं रीजन में? क्वेश्चन इज, इन बार ग्राफ
जब आप बार ग्राफ ड्रॉ करते हो और ये स्केल ड्रॉ करते हो, वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, तो अगर आपको ये जो आप डिस्टेंस लेते हो ना बेटा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट, फिर से 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ये बराबर के आप डिस्टेंस जो लेते हो इनको हम बोलते हैं 1 यूनिट। लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अगर मेरे को 5 5 का डिफरेंस लेना है, तो मैं इसको करूंगी 5, इसको करूंगी 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे ऐसे हम नंबर्स लेते हैं जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब हर एक मेरे को डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं 1 यूनिट को क्या ले रही हूँ, 1 यूनिट को मैं ले रही हूँ 5 स्टूडेंट्स। अगर मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं, तो मैं बोलूंगी कि मेरी 1 यूनिट जो है वो 5 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से, कभी हमें 10 की जरूरत पड़ सकती है, कभी 5 की जरूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन बार ग्राफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 ऑब्जर्वेशंस और 100 ऑब्जर्वेशंस, इट कैन ओनली रिप्रेजेंट 1 ऑब्जर्वेशन, कि एक यूनिट हमेशा एक ही रिप्रेजेंट करेगा या उससे ज्यादा भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 5 5 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, अगर मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट्स होते तो हो सकता है मैं इसको ऐसे ले लेती कि 10 स्टूडेंट्स, फिर 20, 30, ट्वेंटी फिर 40, फिर 50, और यहाँ पे मैं एक यूनिट को क्या ले रही हूँ, 10 स्टूडेंट्स ले रही हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे बच्चे के 100, सपोज मैंने 100 के बारे में बताना है, तो मैं 10 10 का डिफरेंस लूंगी। अगर मेरे को वो ओनली 50 तक का बताना है, तो मैं 5 5 का डिफरेंस ले लूंगी। ठीक है, एक यूनिट जो होता है वो हो सकता है कभी आपको 5 दिखा रहा हो, कभी कभी आप उसको 10 काउंट कर रहे हो, कभी कभी आप उसको 100 काउंट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि 1 जो है वो 1 ही शो करेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई या फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स, यस, वेरी गुड, दिस इज फॉल्स। तो हमारा सी ऑप्शन आएगी, बिकॉज असर्शन ट्रू था और रीजन हमारा फॉल्स है। ठीक है बेटे, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो इसका फोर्थ और फिफ्थ मैं आपको कल करवाऊंगी, थोड़ा और फिर से ये वो करने वाला है, सोचने वाला क्वेश्चन है, और साथ में कल आपका मैंने टेस्ट भी लेना है, कल एनसीईआरटी की बुक्स लेके आना साथ में, उसमें से हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स, और साथ में मैं आपको इसके भी बाकी दो क्वेश्चन करवाऊंगी। यस डोंट yes? हैव एनसीईआरटी What? Don't have मैम, वी डोंट हैव एनसीईआरटी बुक। NCERT, तो कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो बच्चे? क्या नाम है? मैथ्स ब्लेस क्विज, मैं मैथ्स ब्लेस, मैथ्स क्विज, मैथ्स ब्लेस। ओके ओके, मैथ्स ब्लेस, ओके ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, क्वेश्चन तो एक जैसे ही होते हैं, नो प्रॉब्लम। अपनी बुक से इसका मतलब है कि आपके पास तो और भी अच्छी बुक है, तो फिर क्वेश्चंस देख के आना आपने जो क्लास में किए हुए हैं। ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे और मैं ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, क्योंकि 2 मॉड्यूल तो हम कर चुके हैं क्लास में, बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो, कल भी बहुत अच्छा रिप्लाई था आपका क्लास में। ठीक है बेटे, तो अपने जो क्लास में किए हुए क्वेश्चन है उनको रिवाइज करके आना, और ये जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं बार ग्राफ के, ये भी हम कल करेंगे। ओके बेटे, चलो, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय बाय मैम, बाय टीचिंग अस।